बुलेटिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, दिल्ली से खबर जहां पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हो गया है, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद छोड़ दिया है। मनीष सिसोदिया के विभागों का बंटवारा हुआ, कैलाश गहलोत को गृह विभाग और वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। कैलाश गहलोत को कुल 8 मंत्रालय मिले हैं और गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी अब आम आदमी पार्टी। आज भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी सीबीआई। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी भी प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। तो दिल्ली में सियासी पारा हाई बना हुआ है और आज शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का जागरूकता अभियान शुरू होगा। आज दिल्ली के प्रमुख चौराहों पर बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। आईटीओ पर थोड़ी देर में बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। तो इस मुद्दे को लेकर बीजेपी देखिए किस तरह से आप प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। शराब नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बीजेपी का होगा, आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से कहने जा रहे मुझे सवाल न पूछा जाए तो यही बता देता है कि आपका भ्रष्टाचार कितना गहरा है और कितना शातिर लोग है ये। लेकिन आप जो झूठ बेचने चले थे ना माननीय सुप्रीम कोर्ट को, वो आपका झूठ बिका नहीं और फटकार लगने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो डिमांड लंबे समय से थी कि ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद आई, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जीत है। हम लगातार कह रहे हैं कि जिस पे इतना संगीन आरोप है, जो 6-6, 8-8 महीने से जेल में है, उससे कौन सा आपका ऐसा रिश्ता है जिसके कारण आप उसको मंत्री भी बनाए हुए हैं, कोर्ट में कह देते हैं इसकी याददाश्त जा चुकी है, वीडियो आता है कि वो डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहा है, आराम से एक टांग उठा के दूसरी टांग उठा के मालिश करा रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद ही सही, कल जो इन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की नैतिक जीत है, वहीं दिल्ली के उन महिलाओं की जीत है जो सड़कों पर चित्कार कर रही थी, जो स्कूल के सामने शराब की दुकान खोलने वाला वो कैसा शिक्षा मंत्री हो सकता है। मंदिर के सामने, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सबके सामने शराब की दुकानें खोलने की जिद रखा, दिल्ली की जनता चित्कार करके महिलाएं रो रही थीं, उनको लाठी चलवा रहे थे। आज उन सभी महिलाओं की जीत हुई है, दिल्ली की जनता की जीत हुई है और दिल्ली को शराब नगरी जो बनाने की कोशिश कर रहे थे उसकी हाय लगी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक्शन है वो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। मुझे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब बारी आई सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की फटकार पड़ी, तुरंत 2 दिन के अंदर इनका इस्तीफा ले लिया जाता है, क्या लगता है कि इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स कुछ इनको हार्म कर रही थी या कुछ अलग ही पार्टी पकड़ रहा है? देखिए, मेरा इसमें एक अलग थॉट भी है। मुझे ऐसा लगता है कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के इनकी अपील को रद्द करने के बाद अरविंद केजरीवाल को ये लग गया। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से बलराम पांडे जुड़ चुके हैं और साथ ही आईटीओ से तरुण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बलराम का मैं रुख करने की कोशिश करती हूँ। बलराम, अभी हमने सुना मनोज तिवारी कह रहे हैं जो गिरफ्तारी यहां पर हुई है इससे बीजेपी अपनी नैतिक जीत मान रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही थी कि जिस तरीके से कथित शराब घोटाला हुआ है उसमें मनीष सिसोदिया पूरी तरह से सम्मिलित हैं और यही वजह है कि नैतिकता के आधार पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी बार बार मांग कर रही थी और प्रोटेस्ट भी कर रही थी, लेकिन जिस तरह से कल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है,
उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के पास, वो मुद्दा पूरी तरह से खिसक गया है। यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी नए मुद्दे के साथ सड़कों पर उतर रही है और मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने पद से इस्तीफा दें। हालांकि पहले वो सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मांग रहे थे, जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगने लगे, जब दोनों मंत्रियों ने अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेज दिया तो उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के 10 जगहों पर प्रोटेस्ट करके ये मांग कर रही है कि नैतिकता के आधार पर केजरीवाल जी इस्तीफा दें, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने एक बड़ा दांव खेला है और जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था वो छीना है, क्योंकि मनीष सिसोदिया का भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, साथ ही सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और ये भी कहा गया कि जो मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे उन्हें 2 मंत्रियों में बांट दिया गया, राजकुमार आनंद को 10 विभाग दिए गए हैं, वहीं कैलाश गहलोत को 8 विभाग दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि दोनों मंत्रियों के इस्तीफे को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है ताकि उनकी मंजूरी मिले और जो 2 नए चेहरे हैं मंत्री के रूप में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था, जिसको लेकर के वो केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, वो मुद्दा पूरी तरह से खिसक गया है। हालांकि पहले दिल्ली की जनता ये सोच रही थी कि मनीष सिसोदिया का जब इस्तीफा हो गया है तो अब दिल्ली का नया शिक्षा मंत्री कौन होगा, दिल्ली का जो वित्त मंत्री है वो कौन होगा, तो अब वो अटकलें भी साफ हो गई हैं। दिल्ली का नया शिक्षा मंत्री राजकुमार आनंद होंगे, दिल्ली के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कैलाश गहलोत होंगे, साथ ही जो एक अहम विभाग था हेल्थ वो भी राजकुमार आनंद को दिया गया है और जो जेल विभाग